दोस्तों, अब तक आपने कोरोना वायरस के डेडली रूप को समझ ही लिया होगा। इंडिया के जापान में फंसे लोगों में कोरोना वायरस के दो और पैसेंजर्स का टेस्ट पॉजिटिव पाया है। उसके साथ ही इंडिया में अभी तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। दुनिया भर में एज ऑफ फरवरी 17 कोरोना वायरस ने अभी तक 1770 लोगों को मौत के घाट उतारा है और वहीं इस वायरस से कंफर्म्ड इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 70,000 को पार कर चुकी है। और इसमें से कितने लोग इस वायरस से बच पाएंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। जैसे जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पांव फैला रहा है, वैसे ही र्यूमर्स और अफवाह भी बहुत फैल गई हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोरोना वायरस के पैटर्न को अच्छे से समझें। ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या उपचार अवेलेबल हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ही क्वेश्चंस का आंसर करूंगी जो आपने मेरे वीडियो पे मुझसे पूछे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर एपिसोड ऑन कोरोना वायरस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट टिकटॉक गेम का। उनका पूछना है इन इंडिया कोरोना हेल्प सेंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ एनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है। अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता इस टाइम पे कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। तो गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया है, वो नंबर है 9111239780। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप इस नंबर पे डायल करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ये एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये अपील करी है कि अगर आपने 1 जनवरी 2020 के बाद चाइना में ट्रैवल किया है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि कफ, कोल्ड, फीवर, जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो आप सेल्फ रिपोर्टिंग करके आगे आएँ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहाना सेठी का। उनका पूछना है क्या ये वायरस हवन सामग्री जो ऋषि हवन में यूज़ करते थे उससे कम हो सकता है, सुना है इससे एनवायरनमेंट प्ल्यूट नहीं होता है। देखिए, अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है कि हवन सामग्री से ये कंट्रोल हो सकता है, और इंडिया में किसी गुरु या ऋषि जो इस चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वो भी इस तरह की कोई एविडेंस लेके सामने नहीं आए हैं। तो इस चीज़ को मानना अभी सही नहीं होगा कि हवन सामग्री यूज़ करने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हवन सुख शांति के लिए ज़रूर अच्छा है, पर ये कोरोना वायरस को किल कर सकता है ऐसा शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन है मयूर माहिर का। उनका पूछना है कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडी का क्या कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट। बॉडी को जलाया तो पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं बॉडी का, फैमिली को शायद नहीं मिली होगी बॉडी। तो माहिर, इसके लिए चाइना में इस वक्त डेली हंड्रेड्स में डेथ्स हो रही हैं, और जैसा कि हमको पता है चाइनीज़ रिचुअल्स, चाइना कंट्री के रिचुअल्स के हिसाब से वो बॉडी को दफनाते हैं, वो जलाते नहीं हैं। दफनाने में क्या होता है कि बॉडी को डिके होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये डर है कि कहीं वायरस फैल ना जाए। जलाना थोड़ा सा क्विक प्रोसेस है, उसे बैक्टीरिया वायरस जल जाते हैं, तो उसे थोड़ी सी सेफ्टी है कि हाँ शायद ये वायरस नहीं फैलेगा और एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा उस इंसान से। तो और रही बात फैमिली को हैंडओवर करने की, तो जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि फैमिलीज़ को जो लोग एक्सपायर हो रहे हैं वो उनको हैंडओवर किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट के साइड से ही उनको जो भी उनका क्रीमेशन है ये गवर्नमेंट ही कर रही है इस टाइम पे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नितिन जैन का पूछना है इफ़ टेम्परेचर राइजेज टू 40 इन समर प्लस देन विल इट किल वायरस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछना है विनोद का। सुना है कि कोरोना वायरस 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में ये वायरस नहीं रह सकता, जवाब दे प्लीज़। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 30 से 40 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो शायद ये वायरस मर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट देखने में आया था जिनमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि शायद गर्मी आने पे हमें कोरोना वायरस से राहत मिल पाए। हालांकि इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। कोरोना वायरस के पैटर्न को अभी तक स्टडी किया जा रहा है, ये तो समर्स आने पर ही पता लग पाएगा अच्छे से कि ये वायरस उस हीट में सर्वाइव करता है या फिर ये डेड हो जाता है। ऐसी धारणा लोगों की इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ईयर 2002-2003 में जब सार्स आया था तो समर्स के आने के बाद वो सार्स काफ़ी कंट्रोल में आ गया था, तो हो सकता है इस बेसिस पे भी लोग इस तरह की बातें इस टाइम पे कर रहे हों। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सुनील जी ने। वो पूछ रहे हैं ये बायो वेपन बना रहे थे लेकिन ये वहाँ पे लीक हो गया,
और फंस गए, झूठ बोल रहा है, चीन की एनिमल्स के थ्रू आया है ये वायरस और ये वेपन इंडिया पर ही अटैक करने वाला था लेकिन खुद फंस गया। ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना कोई ऐसा बायोवेपन बना रहा था। मैंने भी ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स पढ़े हैं कि चाइना एक लेबॉरेटरी में रिसर्च कर रहा था कि टाइम आने पे इसको एज अ वेपन दूसरी कंट्रीज़ पे यूज़ करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब र्यूमर्स हैं। और बड़ी दुख की बात ये है कि बहुत अच्छे रेप्यूटेड चैनल्स तक, बहुत अच्छे रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स तक इस तरह की न्यूज़ दिखा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पॉसिबल एल का, उनका पूछना है मैम जो तीन लोग केरल से पीड़ित थे उनकी क्या हालत है अब? ये गुड न्यूज़ है, जो केरल में पीड़ित थे लोग वो उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, वो रिकवर कर चुके हैं, सही टाइम पे इलाज होने की वजह से उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनमें से कुछ को घर तक भेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अमर जायसवाल का, वो पूछ रहे हैं वन क्वेश्चन प्लीज़, क्या कोरोना वायरस हवा में फैलता है और अगर फैला है तो यहाँ इंडिया भी आ सकता है क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन गोडक भाई की गोडक ने पूछा है, क्या ये वायरस हवा से हो रहा है मैडम? इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे हवा से ये वायरस स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बंदे को वायरस है, कोई इंसान इन्फेक्टेड है, आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको ये वायरस हो सकता है, या फिर अगर उसने कहीं पे खांसा है या छींका है उस इन्फेक्टेड एरिया के कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं तो ये वायरस आपको हो सकता है। ये वायरस कॉन्टेजियस है तो आपको हो सकता है आपको डिस्टेंस रखना है, बट ऐसे ये हवा में ज़्यादा डिस्टेंस पे इस तरीके से नहीं फैलता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन का जितना एक रेडियस होता है उस रेडियस के अंदर वो इन्फेक्शन रहता है। अगला क्वेश्चन है रमन सिंह का, उनका पूछना है मैम अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं बना क्या? तो जिन लोगों को कोरोना वायरस हो गया है तो उन लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए, इसका अभी तक कोई पुख्ता एंटीडॉट या वैक्सीनेशन नहीं निकल पाया है जो 100% ये प्रूफ कर पाए कि हाँ ये कोरोना वायरस से इंसानों को बचा सकता है। हिट एंड ट्रायल अभी चल रहे हैं, सब कंट्रीज़ अपनी रिसर्च कर रही हैं। हालांकि जिन लोगों का वीक इम्यून सिस्टम होता है या जो लोग 60+ है उनको ये ज़्यादा अटैक करता है और उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर अर्ली स्टेजेस पे मेडिकेशन मिल जाए तो कोरोना वायरस से बचा भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। अगला क्वेश्चन है चार्ली का, उनका पूछना है हाउ आई सेव फ्रॉम वायरस यार, गिव मी आइडिया। देखिए, इसके सिम्टम्स और इसकी प्रिकॉशंस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हैं, आप उनको ज़रूर देखें अवेयरनेस के लिए। और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में तो बिल्कुल भी मत आएं, ये वायरस बहुत ही जल्दी फैलता है, तो अगर आप उनके 5-10 मिनट भी बैठेंगे तो चांसेस हैं ये वायरस आपको हो सकता है। तो जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनसे तो दूरी बना के ही रखें। और आखिरी में अवेयर रहें, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है उन तक नॉलेज पहुँचाएँ, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है जशन विर्क का, वो पूछ रहे हैं मास्क लगाना ज़रूरी है अब? देखिए जशन जी, इंडिया में तो अभी मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, इंडिया में इस तरीके से नहीं फैला है और जितने भी केसेस आए हैं वो सब कंट्रोल हो चुके हैं। अगर किसी ने चाइना ट्रैवल किया है और उसके कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो हाँ, हो सकता है आपको मास्क लगाना पड़े क्योंकि वो इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, बट इंडिया में ज़रूरत नहीं है मास्क लगाने की। बस आप जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें, हाइजीन रखें, इतना अभी सफिशियंट है। हाँ, अवेयर रहें सिचुएशन के। तो दोस्तों, ये थी मेरी क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। अगर आपका सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब दूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट भारत में अवेयरनेस फैलाने में मेरी मदद ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाखों लोगों के ये सवाल हैं। कुछ लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करके पूछ लेते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें।